हेलो दोस्तों, इन्वेस्टफिट आरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वह है एक इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूज सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। कंपनी का सेक्टर है इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूज। इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स ही है। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस NSE पर था 20.9 का। और अब हम आते हैं इसके मार्केट पैरामीटर्स पर। मार्केट पैरामीटर में पहला है मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप है 572.32 करोड़ का। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर रहा है 1.1 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 19.02 का। इंडस्ट्री पी रहा है 8.89 का। बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का रहा है 15.56 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रहा है 1.34 का। डिविडेंड देती है कंपनी। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.48 का। फेस वैल्यू है 1 रुपी का। और नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 27.38 क्रोर्स। अब आते हैं इसके लेवल्स पर। इसका 52 वीक हाई रहा है 36.50 का। 52 वीक लो रहा है 12.85 का। इसकी लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी जो थी 3 सितंबर 2020 को वो थी 64.8% की। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। इसमें पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह ट्रेल कर रहा है 55.07 पर। मनी फ्लो इंडेक्स ट्रेल कर रहा है 62.23 पर। मैग्डी जो ट्रेल कर रहा है वह है 0.33 पर। और स्टॉकेस्टिक जो ट्रेल कर रहा है वह है 38.37 पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हमें इस कंपनी में समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। तो अब हम आते हैं इसके रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो जो है वह है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि रहा है 20.61% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 27.58% का। और रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 11.74% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिट्टा मार्जिन का, जो कि रहा है 13.67% का। एबिट मार्जिन रहा है 10.71% का। पैट मार्जिन रहा है 6.4% का। अर्निंग पर शेयर रहा है 2.44 रुपीज़ का। एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 1.83 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स रहा है 21.78 डेज का। डेज ऑफ पेबल्स रहा है 10.44 डेज का। और डेज ऑफ इन्वेंट्री रहा है कंपनी का 25.10 डेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि रहा है 65.56% का। एबिटा ग्रोथ रहा है 82.21% का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 142.18% का। और ईपीएस ग्रोथ रहा है 135.09% का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। इसमें पहला है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इस कंपनी का टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहा है 0.2 का। अब हम इसमें अगर देखने जाए तो इस कंपनी का नेट वर्थ जो है वो है 391.95 क्रोर्स का। और इस कंपनी में टोटल डेब्ट जो है वो है 74.71 क्रोर्स की। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 6.27 का। और करंट रेशियो है 2.96 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। अब हम आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का, जो कि रहा है 2.49 रुपीज़ का। और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -2.99 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है कंपनी का 15.89 का। प्राइस टू बुक रेशियो रहा है कंपनी का 2.78 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 15.57 का। ईवी टू एबिट्टा रेशियो रहा है कंपनी का 8.12 का।
मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 1.06 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, ये देखते हैं कि कितने तरह के प्रमोटर्स हैं इस कंपनी में। इस कंपनी में सिर्फ इंडियन प्रमोटर है जिनके पास 53.67% कंपनी के शेयर रखे हुए हैं। इस कंपनी में कोई फॉरेन प्रमोटर नहीं है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या यह इंडियन प्रमोटर में से किसी ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो हम आते हैं मनी कंट्रोल के वेब पेज पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड यह कंपनी है और ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था 20.9 ऑन NSE। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज किए थे और प्लेज कर भी रहे हैं, हर साल ये अपने शेयर्स प्लेज करते हैं। तो यह मार्च 2020 का है, 1.28% कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज किए थे। तो हम आते हैं हमारे शीट पर और यहाँ पे 1.28 बीट करते हैं। फॉरेन प्रमोटर्स ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं किए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर यानी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।